हमारा 2 दिन या 3 दिन का प्लान है। ये वाला हमारा रूम है, तो ये है पूल का एरिया। यहाँ पे कुछ था, आई थिंक वीडियो में दिखा होगा। यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया। अभी हम रूम पे गए थे और हमने चेंज कर लिया, तो अभी हम जो वाटरफॉल देखा था हमने, उसके अलावा भी एक और है, तो अभी हम वो वाला देखने जा रहे हैं। अभी हम घर पे गए थे, अभी भी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पहले पूजा होगा, उसके बाद हल्दी का फंक्शन शुरू होगा, तो उसमें अभी टाइम है। तो हमने सोचा कि अभी रूम पे बैठ के सब बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि जो दूसरा वाला वाटरफॉल है वो भी हम देख लेते हैं। तो मैंने और भाई ने चेंज कर लिया है, पापा ने चेंज नहीं किया, वो सेम ड्रेस में आए हैं। तो अभी हम वापस से वही चढ़ाई कर रहे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो अभी दूसरा वाला देखते हैं, वो थोड़ा फ्लैट सरफेस पे है। ये वाला तो हमने दूर से देखा था ना, वहाँ पे वहाँ तक जा सकते हैं और फोटोज़ ले सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेवन। हेवन, इसका नाम हेवन है। हेवन, हेवन मतलब आपको मालूम है क्या होता है? हेवन मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब क्या है? हेवन मतलब होता है जन्नत। कहाँ रहते हो आप? पास में रहते हो? हम रहते हैं दिल्ली में। हाँ, दिल्ली से आए हैं हम। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टेप है, मैं थक चुकी हूँ इतने में ही। वो एक्चुअली हमारा डबल टाइम हो गया ना इस वजह से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये रास्ता दिखाया था ना, हम उधर से आए थे और हम उधर चले गए थे, तो हमें इधर भी आना था, ये हमें पता नहीं था। तो अभी हमारे साथ कोई छोटा सा बच्चा जा रहा है गाइड करने के लिए। वैसे तो हमें पता है क्योंकि 2 ही रास्ते थे और 1 पे हम जा चुके हैं, बट स्टिल हमने उसको साथ में ले लिया। वो पूछ रहा था चलने के लिए साथ में, मैंने कहा ठीक है चलो। तो जो लोग उस टाइम ऊपर आ रहे थे जब हम वापस जा रहे थे, वो अब नीचे आ रहे हैं और हम वापस ऊपर जा रहे हैं। सब स्टेयर्स ख़त्म हो गया है, फ्लैट सरफेस है, डबल डबल काइंड ऑफ ट्रैकिंग ही हो गई है। ये ऊपर है तो डबल डबल हो गया। बट एक चीज़ है कि अभी हम घर गए थे तो मैंने चेंज कर लिया। दोनों तरफ फुल जंगल है, तो मैं अकेले तो यहाँ कभी नहीं आना चाहूँगी। आप यही रहते हो पास में? हाँ, जब गाड़ी। तो आप स्कूल नहीं जाते हो? नहीं, नहीं जाते हो कि छुट्टी है अभी? थोड़ी दूर और है। अच्छा, जानवर वगैरह भी आते हैं यहाँ पे? लेपर्ड। अच्छा, लेपर्ड आता है, तो वो कब आता है? रात के टाइम पे आता है? दिन में तो कम आता होगा, है ना? इधर नहीं आता है, वैसे जंगल है ना तो कभी भी आ सकता है। पापा स्टिक रेडी कर रहे हैं अगर लेपर्ड आ जाता है तो। ये वही वाटरफॉल का पानी है ना, यहाँ पे इतना शांत है पानी। इधर से जाना है? इधर से चलो।
आगे चलो, दिखाओ किधर रास्ता है। किधर? वहां पे दिख रहा है। मैक्सिमम लोग यहाँ तक आते ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है वहीं पे दिख गया वाटरफॉल, वही होगा। एक पीछे इतने सारे लोग थे बट कोई भी हमारे साथ नहीं आया, कोई भी हमारे पीछे नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक और वाटरफॉल है। तो लोग उसी वाटरफॉल को हमारे जैसे देखते हैं और चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वही है, बट एक्चुअल में काफ़ी अंदर आके एक और है। और इसको आप पास से देख सकते हो, यहाँ पर फोटोज़ बहुत अच्छी आएगी। ये एक्चुअल है, वो तो काफ़ी दूर से दिखता है, वहाँ पर आप नीचे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ कम लोग आते हैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है। वाओ, ये है एक्चुअल वाला वाटरफॉल। यहाँ पे कम लोग आए हैं, यहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे आप शूज खोल के पानी में भी जा सकते हो, नहा भी सकते हो। और इधर पूरा जंगल है हर तरफ। बाय कर दो। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। मेरा मन कर रहा है जूते उतार के जाने का बट फिर पैर गंदे हो जाएंगे, तो मैं देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और इस व्यू को एंजॉय करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। अभी हम यहाँ पे फोटोज़ ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है पीछे। और भाई यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहा है, पापा उधर पीछे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे नहा सकते हो। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही है, बट यहाँ पे आप आके रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो और आप यहाँ पे वाटरफॉल में नहा भी सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा कपड़े ला सकते हो और यहीं पे नहा सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ आना वर्थ है, थम्स अप। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। भाई जा रहा है पानी में, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। भाई ने मुझे कन्विंस कर लिया, वो कितना ठंडा पानी है। भाई ने मुझे कन्विंस कर लिया पानी में जाने के लिए, बहुत ही ठंडा ठंडा पानी है। तो कितना फोल्ड करूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई तो बहुत ही ऊपर है यार, बहुत ज़्यादा। और फिलहाल मेरे नीज तक आ रहा है, और अगर आपको अंदर जाना है तो आप जा सकते हो, पर मुझे नहीं जाना है। तो एकदम ऐसा लग रहा है फ्रीज़र का वाटर एकदम चिल्ड वाटर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये पिकनिक के लिए भी अच्छी जगह है, अगर आप चाहो तो अपनी फैमिली के साथ आके भी यहाँ पे रुक सकते हो, बहुत सही है। तो पानी में आने का जो था वो अच्छा डिसीजन था फॉर श्योर। और पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, यहाँ पर इतना ज़्यादा नॉइज़ है इसका। तो अभी बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद फिर वापस हम दोबारा निकलेंगे हल्दी फंक्शन के लिए। मिलते हैं आपसे। अब इधर से निकल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा हुआ हम सही टाइम पे आ गए ताकि हमें ज़्यादा भीड़ में नहीं रहना पड़ा। तो पिक्चर्स वगैरह भी हमने अच्छे से ले लिया, पूरा खाली खाली था वहाँ पे, बहुत कम लोग थे। अभी तो वहाँ पे फुल क्राउड हो गया है, पूरा भीग गया है।
अभी फोटो शूट चल रहा है उसका, हल्दी का। सब लोग रेडी हो गए हैं, तो अब हम भी जल्दी जल्दी से कुछ येलो येलो पहन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। काफ़ी धूप निकल गई है।